नंबर 1। आज के जमाने में जहाँ लोग अपने बर्थडे पर बड़े बड़े केक काटकर दिखावा करके बर्थडे मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े उद्योगपति श्री रतन टाटा जी ने दिखावा करने की बजाय एक बच्चे के साथ छोटा सा कप केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। वो अगर चाहते तो बड़े धूमधाम से लाखों का केक काटकर जन्मदिन मना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक बार फिर से उन्होंने अपनी सादगी से लोगों को प्रेरणा दी। गाइज, रतन टाटा जी का जैसा नाम है वैसा ही काम है। नंबर 2। गाइज, टेलीविजन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शोज में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ गाइज, खबरों की माने तो शो में तारक मेहता का रोल निभाने वाले एक्टर शैलेश लोधा जल्द ही इस शो को अलविदा कह सकते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि शैलेश शो में अपने कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनका मानना है कि उनकी डेट्स का इस्तेमाल शो में ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। बहरहाल अब तक इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शो में जेठालाल और तारक मेहता की केमिस्ट्री, जो कि ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, जिसका असर शो की TRP पर भी पड़ सकता है। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि शैलेश अगर ये रोल ना निभाए तो क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर से इतना पॉपुलर हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।